डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हैं T1/2, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनिशियल प्रेशर 1-n। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सेकंड है हाफ लाइफ पीरियड, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और नीचे है यहाँ पर पावर में n-1, ठीक। और थर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है n। ये n जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है, यहाँ पर भी ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा, यहाँ पर भी n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा, और यहाँ पर भी n ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखें, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस Ab3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ही ऑब्टेंड द फॉलोइंग डाटा। ये प्रेशर है MMHg में, और यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड है सेकेंड में। ये देखिए 50, 100, 200 एंड 400, ये MMHg प्रेशर है, और यहाँ पर 4, 2, 1 एंड 0.5, ये हाफ लाइफ पीरियड है। और आपको बताना है कि इस केमिकल रिएक्शन का जिसे आप यहाँ पर डाटा में देख रहे हैं, तो इस डाटा में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर डीकम्पोजिशन ऑफ गैस की बात हो रही है, यानी यहाँ पर ये Ab3 है, इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है, ये गैस जो है डिकम्पोज हो जाती है ना, ठीक है। A और प्लस 3B में ये क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए ये A और यहाँ पर है ये B3, ये गैस है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको हीट करते हैं तो ये A प्लस 3B, ये देखिए इस तरह से ये डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। तो Ab3 का आपने डिकम्पोजिशन देखा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप गैस का प्रेशर देख रहे हैं, तो इसलिए आप इसके लिए जो फार्मूला बेटर है उसको हम लिख लेते हैं। और आपको मैंने बताया था अभी फॉर्मूला क्या है, ये देखिए ये है T1/2, और यहाँ पर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर आएगा इनिशियल प्रेशर, और पावर में आएगा 1-n, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब आप दो कोई से भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई से भी यहाँ पर दो जब आप एक्सपेरिमेंट लेते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई भी दो रिएक्शन लेकर के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फार्मूला जो है किस तरह यूज होता है वो आप ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप यहाँ पर ये T1/2 इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पर आप 1-n इस तरह से लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी फर्स्ट रिएक्शन के लिए, और अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड इसके नीचे आ जाएगा, चलो फर्स्ट को इंडिकेट कर देते हैं। अगर यहाँ फर्स्ट लिख रहे हो आप तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी आप यहाँ पर यहाँ फर्स्ट भी लिख सकते हो, आप यहाँ लिख लो फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसी के नीचे आप यहाँ पर T1/2 यहाँ पर आप सेकंड लिख दीजिए, और यहाँ पर इनिशियल प्रेशर के नीचे यहाँ 2 लिखकर
वन माइनस एन कर दीजिए। बस अब ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको आप यूज़ कर लेंगे तो आपका ऑर्डर इजीली निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकल आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ लेफ पीरियड ये टी वन बाई टू, हाफ लेफ पीरियड ये टी वन बाई टू यानी फर्स्ट और ये सेकेंड। तो बस यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए पहले लिख रहा हूँ मैं फोर और नीचे लिख रहा हूँ मैं टू इक्वल टू। उसी तरह से देखिए ये इनिशियल प्रेशर है यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर 100। बस तो 1 के सामने 1 लिखना है, 2 के सामने 2 लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर देखें यहाँ पर 50 और नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, और आपको पता है ऊपर 1 माइनस एन, यहाँ पर ही 1 माइनस एन। तो ओवरऑल जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस एन, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, आपको पता है ये देखें ये 50 है, नीचे यहाँ पर ये 100 है, यहाँ पर 4 है, नीचे 2 है, तो काट दीजिए इसको। यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, इसको काट दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। ये आ गया 1/2, और पावर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पावर में आएगा 1 माइनस एन, ये पावर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ 2 है तो इसको भी हम 2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम इन्वर्स करेंगे इसको यानी कि 1/2 को अगर हम 2/1 करेंगे तो यहाँ 1 माइनस एन की जगह एन माइनस 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, वॉच, यहाँ पर मैंने 2 इसको ऐसे कैसे लिखा इक्वल टू में, और 1/2 को मैंने इन्वर्स कर दिया तो ये हो जाएगा 2/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, और ऊपर 1 माइनस एन की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एन माइनस 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब 2 से 2 आप हटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू में, यहाँ आएगा एन माइनस 1। ठीक है, अब माइनस 1 को उधर ले जाइए तो यहाँ आ जाएगा एन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा एन इक्वल टू 2, ये आ गया इस तरह से। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, ऐसी रिएक्शन को देखते हैं जिसमें प्रेशर हो, तो आप इस तरह लिख करके है ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी आंसर निकालना आ जाएगा। देखो कैसे निकालना आ जाएगा, देखिए यहाँ 1 के सामने आपको 1 प्रेशर रखना है, 2 के सामने आपको 2 प्रेशर रखना है, बस। तो इजी करने के लिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या है 2, तो यहाँ पर आप ये डी पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शन है, उन्हें हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, फॉर अ रिएक्शन ए इंटेन 2B+C द हाफ लाइफ आर 100 सेकेंड एंड 50 सेकेंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए इज 0.5 एंड 1.0 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जेजेडेश नियरेस्ट इंटीजर। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा कि मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम देखो किस तरह लिखेंगे, देखिए फार्मूला देखिए प्लीज़, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन की बात आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे T1/2 यानी हाफ लाइफ पीरियड, और इसमें हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। देखिए कैसे, 1/ ये इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स एन माइनस 1, ये देखिए है ना, यानी इस तरह आपको फार्मूला यूज करना है। और मैंने आपको बताया जब दो एक्सपेरिमेंट हो या दो रिएक्शन हो तो उसको किस तरह किया जाएगा, तो क्योंकि आपको पता है आपको तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल ही करना है, तो इसलिए क्या है आप इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, चलो मैं बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर T1/2 लिखो इक्वल टू, अब ध्यान रखिएगा कि T1/2 अगर यहाँ पर आप 1 लिख रहे हो तो नीचे आप T1/2 यहाँ 2 लिख लो, लिख लिया, फिर यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये जो है ना इसको किस तरह लिखना है, देखिए यहाँ पर ए नॉट, ठीक है यहाँ लिख देते एन माइनस 1, अब 1 के सामने यहाँ पर 2 लिखना है आपको, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर ए नॉट और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, ये देखिए
तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अगर आप यहाँ वन लिखेंगे तो उसके सामने टू लिख लेना, और यहाँ टू लिखेंगे तो उसके सामने आपको वन लिखना है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें 100 सेकेंड, इसको हम T1/2 की जगह रखेंगे, तो देख लीजिए मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये आपने 100 लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 50 सेकेंड दिया है, 100 के बाद 50 दिया है, तो मैंने 2 की जगह पर यहाँ पर 50 हाफ लाइफ पीरियड लिख लिया। अब आपको पता है ये जो 1 है नीचे लिखना है आपको, और 2 क्या करना है आपको ऊपर लिखना है, ये कंसंट्रेशन है। तो ये 1 कंसंट्रेशन हो गई और ये 2 कंसंट्रेशन हो गई, तो 1.0 का लिखेंगे हम ऊपर, ये 1.0, और पावर क्या लगाएंगे n-1, नीचे क्या करेंगे हम 0.5 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 है ना, ये फर्स्ट कंसंट्रेशन है, ये सेकेंड है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.5, और ये भी n-1 है। आपको पता है ओवरऑल हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, पहले एक बार लिख लें, 100/50 = 1.0, 0.5 ऊपर लिख लिया हमने n-1, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आगे किस तरह सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये 1.0 है, ठीक है, तो 1.0 का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, और यहाँ पर क्या होता है 0.5 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्या जाएगा स्टूडेंट्स ऊपर, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको अगर अपन काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, और पावर में क्या लिख दिया मैंने, n-1 लिख दिया, ठीक है। अब 2 से 2 हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 2 से 2 हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, फिर इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, n-1, ठीक है, और 1 को उधर लेके जाएंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1+1, और यहाँ पर n इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2। ये क्लियर, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि 1.0, तो 1 के बाद पॉइंट और फिर 0 है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता है पॉइंट के बाद 0 का को कोई मतलब नहीं होता, तो उसे हम 1 ही लिखेंगे, और यहाँ नीचे क्या 0.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर 10 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 5, फिर 2 से इसको काट देंगे तो इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस तरह से है, ये देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन कैपिटल ए इज कन्वर्टेड इन टू बी, द रेट्स ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए एज 2 × 10⁻³ एम यानी मोल पर लीटर एंड 1 × 10⁻³ एम मोल पर लीटर आर इक्वल टू 2.40 × 10⁻⁴ कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड 0.60 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैपिटल ए विल बी, तो यहाँ पर जो ऑर्डर हमें दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0, 1.5, 1 एंड दैट इज अ 2। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बताऊँ कि जब इस तरह का फार्मूला, मतलब माफ़ करना, जब इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाए तो उसके लिए जो सुटेबल फार्मूला है वो क्या हो सकता है, तो देखिए उसके लिए फार्मूला ये होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह रेट इक्वल टू के, ये कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर आएगा एन, यानी इस तरह के फार्मूले को आपको यूज़ करना है, बस अब ये क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखी है, फिर कंसंट्रेशन दे रखी है फिर रेट दे रखी है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ये और रेट, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन रेट, कंसंट्रेशन और रेट, है ना, कंसंट्रेशन रेट ये दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर
एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको एन फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पर देखो एसी रेट चूज करते हैं, है ना, जिसमें डिवाइड इजीली जा सके। देखो यहाँ पर ये, इसको हम बोलेंगे रेट वन, इसको बोलेंगे रेट टू। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर हम रेट को ऊपर रखेंगे वन को, तो इसमें इसका डिवाइड इजीली चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हो जाएगा रेट वन अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा रेट टू, ठीक है, इक्वल टू। में यहाँ लिखेंगे के और यहाँ लिखेंगे के। अब देखिए वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब जो फर्स्ट रेट दी थी, है ना, तो उसके लिए कंसंट्रेशन क्या है, ये। तो बस एक ही जगह पे इसको लिख लो। तो चलो लिख लेते हैं, 2 × 10⁻³, ये लिख लिया, ठीक है। और पावर में क्या लिखेंगे हम, एन, ये हमने एन लिख लिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं, यानी रेट टू की बात करें, तो उसके लिए कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। इसको लिख लो 1 × 10⁻³, ठीक है। और यहाँ पर पावर में ऊपर एन लगा देते हैं, ये लगा दिया। अब रेट वन कितनी दे रखी है, ये देखिए रेट, तो यहाँ लिख लेते 2.40 × 10⁻⁴, ठीक है। और यूनिट लिखना है तो लिख लेते हैं यहाँ पर एम सेकेंड इनवर्ट्स। और नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 0.60 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा एम सेकेंड इनवर्ट्स। अब देखो स्टूडेंट्स इसको किस तरह किया जाएगा, यहाँ पर कैसे तो के हट ही जाएगा, 10⁻³ से 10³, वन से कोई मतलब नहीं है, ऊपर टू, तो यहाँ आ जाएगा टू, और पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए -4 से -4 कैंसिल, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 4 = 24, तो ये ऊपर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। आप चाहे तो 4 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2⁻N = 2⁻², ऐसे लिख दो, ठीक है। 2 से 2 हट जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो आपने देखा इसका ऑर्डर क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी तक हमने अलग अलग फार्मूले का स्टूडेंट्स यूज़ किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला ये, ठीक है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, फिर ये कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, कब यूज़ होता है इनका, जब हाफ लाइफ पीरियड गिवन हो, ठीक है। और इसके बाद ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, जब कब, जब हमको रेट और कंसंट्रेशन दोनों गिवन हो, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। अभी इसको मैं और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पर है ये फोर्थ क्वेश्चन, इस तरह से देखिए, ये 2Na+2H2 (N2+2H2) यहाँ पर लिखा है, द एबव रिएक्शन हैज बीन स्टडीड एट 800 °C, द रिलेटेड डाटा आर गिवन इन द टेबल बिलो। अभी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, यानी रिएक्शन मिक्सचर की ये स्टेप्स दिए रखी हैं, और यहाँ पर इनिशियल प्रेशर ऑफ H2 किलो पास्कल में दिया हुआ है, ये इनिशियल प्रेशर ऑफ NO किलो पास्कल में दे रखा है, और यहाँ पर ये इनिशियल रेट दे रखी है, वो भी किलो पास्कल पर सेकेंड में, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ये देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनओ इज, हमको ऑर्डर निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है स्टूडेंट्स, एनओ के रिस्पेक्ट में। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर उनको पहले से आंसर इसका पता है कि हाँ इसका आंसर अगर टू है, तो वो ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई अगर हम इसका रेट इक्वेशन निकालें, है ना, तो रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनओ की पावर क्या आएगी, टू आएगी। जब एनओ की पावर टू आ गई, तो सर सेकेंड ऑर्डर आ तो गया, निकालने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये रिएक्टेंट है, और आपको पता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसी का रेट इक्वेशन प्रिपेयर्ड होता है। तो देखिए किस तरह प्रिपेयर्ड करेंगे इसका रेट। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर रेट, ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम के, देखते जाइएगा आप, ये एनओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ एनओ लिखा, अब मुझे इसका ऑर्डर तो पता ही नहीं है, वो तो मुझे फाइंड करना है, तो मैंने एक्स लिख दिया। और यहाँ पर देखिए H2 हाइड्रोजन, इसका भी मुझे ऑर्डर पता नहीं है, तो H2, और यहाँ पर मैंने वाई लिख दिया। लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स,
हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एनओ का ऑर्डर निकालने को बोला है, हम एच टू का ऑर्डर हमें निकालने के लिए नहीं कहा है। तो अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसका ऑर्डर निकालना है एक्स का, तो किस तरह निकालेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर देखा होगा, तो उसी स्टाइल से उसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको पता है कि यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको यानी वाई को हम इस तरह से लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट। और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तो एक्स को कुछ इस तरह से लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर हमको एच टू को कांस्टेंट करना है तो इसकी कोई दो सिमिलर वैल्यू लेते हैं, और अगर इसको कांस्टेंट करना हो तो इसकी कोई दो सिमिलर वैल्यू लेते हैं। तो चलो हमें कांस्टेंट किसको करना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को। यस, तो हम क्या करेंगे, इसकी दो वैल्यू क्या ले लेंगे, सिमिलर, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बस चलो तो शुरू करते हैं। इसमें ये दो वैल्यू तो चलो हमने ले ली, ये रेट वन हो गई और रेट टू, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हम रेट हमेशा ऊपर ऐसे ही लेते हैं कि नीचे जो रेट ले रहे हैं उसका इजीली डिवाइड जा सके, ठीक है? तो आप देख सकते हो अगर मैं रेट ये वन ले रहा हूँ और ये रेट टू ले रहा हूँ तो 0.135 में 0.033 का डिवाइड जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर रेट वन लूंगा, नीचे क्या लूंगा मैं, रेट टू लूंगा, ठीक है? तो देखते जाइए आप यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये रेट वन और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह आएगा रेट टू इक्वल टू के, हियर आल्सो के। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एनओ एनओ रेट वन में देखिए क्या है, यहाँ पर रेट वन में एनओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40.0। यस, ये 40.0 आपको लिखना है, यहाँ पर आप एक्स लिख दीजिए। और हाइड्रोजन यानी किसकी वैल्यू क्या है, 65.6, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 65.6, ये सिमिलर वैल्यू है यू नो। और यहाँ लिख दिया आपने वाई। अब इसके जस्ट नीचे की तरफ यहां पर रेट टू में देखिए, रेट टू का है ये, इसमें एनओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20.1, तो ये 20.1 कर लीजिए, ऊपर एक्स लिख दीजिए और वाई की वैल्यू देखिए सिमिलर 65.6, ये वाई आपको पता दोनों वैल्यू सिमिलर है, हटा दो यानी कांस्टेंट हो गई। अब क्या करेंगे भाई, रेट वन रेट टू तो लिखी नहीं है, रेट वन रेट टू लिख लेते पहले। चलो रेट वन क्या है, यहाँ पर 0.135 और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 0.033, ठीक है? अब हम मंजिल के काफ़ी करीब हैं, हमारा आंसर आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, लिसन, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखो इसको अगर आप काटेंगे तो नेचुरल है, किससे काटेगा, फोर से। और इसको देखिए काटे हम तो याद रखिए 20 के बाद पॉइंट है और फिर वन है, तो वन का कोई मीनिंग नहीं है, हमें राउंड ऑफ वैल्यू निकालना पड़ती है ना स्टूडेंट्स। तो याद रखिए 22 जब 40 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, 4, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एक्स, 2 पावर 2 यानी एक्स इक्वल टू 2, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ गया, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, माफ़ करिए इसके लिए। अब हम आगे चलते हैं और आज हमारा आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट बचा है तो उसको हम कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स वैसे तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे निकालते हैं उसको सीख रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम अगला क्वेश्चन ले लें तो इस अगले क्वेश्चन को देखिए आप, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इस तरह से है, द रिएक्शन 2A+B2 इंटेंड 2AB इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ डैश राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। देखिए स्टूडेंट्स एक बात को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँ, इसको आप मैथमेटिकल सॉल्व करोगे थोड़ा वक्त आपको लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करना है, बस आप थोड़ा सा दिमाग में एक बात रखिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वी, बस आप इस फार्मूले को दिमाग में रखिए, आंसर अभी बहुत
जल्दी से निकल आएगा। आप ये देखिए कि जितने फैक्टर में वॉल्यूम आप डिक्रीज कर रहे हो उतने फैक्टर में कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस आंसर आ गया। एक बार फिर से, व्हाट एम आई स्पीकिंग, लिसन। जितने ऑर्डर में यानी जितने फैक्टर में हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं उतने फैक्टर में कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। देखो कैसे, यहां पर क्या लिखा उसने, रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 3, यानी कि 3 वॉल्यूम, 3 फैक्टर में हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। नेचुरल 3 फैक्टर में कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये समझ में आ गया आपको। देखो ना, इसको आप यहाँ लिख लो 3 और फिर यहाँ पर लिख लो 3, ये क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या है वॉल्यूम, यानी 3 फैक्टर में आप वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो 3 फैक्टर में कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो रिएक्शन दे रखी है इसका रेट एक्सप्रेशन निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर रेट इक्वल टू, यहाँ जाएगा के, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ए की मोलार कंसंट्रेशन और ये जो आगे नंबर्स हैं ये कहाँ आएंगे, पावर में। और याद रखिए ये बी टू है, ये ऐसा कैसे ही रहेगा क्योंकि इसके आगे क्या वन होता है ना, तो आप इसको बिल्कुल ऐसा कैसे ही लिख दो, बी टू। ठीक है, ऐसा। चलो ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब बस कुछ मत करिए, 3 टाइम्स कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए ये देखिए, यहाँ पर रेट इक्वल टू ये के, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करना, तो यहाँ लिख दो 3A का स्क्वायर, और बी के सामने भी डियर लिखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट तो ये भी है ना भाई, तो यहाँ क्या होगा 3B2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा रेट इक्वल टू के, और ये आ जाएगा 9A स्क्वायर, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट 3B है साथ में, तो ये हो जाएगा B2। अब लिसन टू मी, 9 × 3 कितना होता है, 27। तो लिसन हियर, रेट इक्वल टू 27 KA² B2। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, 27 टाइम्स इसकी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार फिर से स्टूडेंट देखिए, इन्होंने कहा कि आप वॉल्यूम को 3 फैक्टर में रिड्यूस करिए, यानी 3 टाइम्स इसको कम करिए वॉल्यूम को, तो 3 टाइम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी राइजेस अप। तो अब कंसंट्रेशन जब 3 टाइम इसकी राइजेस अब यानी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इसकी रेट क्या होगी, 27 टाइम्स तक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।